शर्म नहीं आई तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं? शाम सो गया तुझे? मां, अगर मैंने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया तो तुम्हारे मन मंदिर में बसी हुई पति परमेश्वर की मूर्ति हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। देखा, इसे पाने के लिए मंदिरों की चौकड़ों पर माथे रगड़े, दरगाहों में दिए जलाए, इसलिए कि बड़ा होकर बाप के सामने सर उठाए। डैडी, मैं आज तक दोस्तों के सामने, यहां तक के सबके सामने सर उठाकर चलता था, लोगों से यह कहता था कि मैं एक महान बाप का बेटा हूं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक महान बाप का नहीं, एक गद्दार का बेटा हूं। चुप रहो विशाल। नहीं मां, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। इनसे पूछो कि यहां विक्रम क्यों आया था। ये एक दानी का घर है, कोई भी झोली फैलाया आ सकता है। वाह वाह डैडी, क्या दानी इंसान है आप। आपने एक शरीफ और ईमानदार इंस्पेक्टर को जेल दान कर दिया। ये झूठ है। क्या ये भी झूठ है? क्या आप हीरोइन और ब्राउन, आपके बेटे जैसे लाखों नौजवान मर रहे हैं? यू आर अ किलर, आप हत्यारे हैं। डैडी, अब तो मुझे सिर्फ इस बात का पता चला है, लेकिन जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया, तो अगर इस शहर में आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो आपका बेटा होगा। विशाल, क्या बात है मां, बहुत परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज होकर रात को घर छोड़कर न जाने कहां चले गए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है विशाल। दबे पाओ तो चोर भागा करते हैं मां। विशाल, सच्चाई का आईना बहुत साफ होता है मां, लेकिन झूठा आदमी उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकता। तुझे शर्म नहीं आती मेरे कोख से पैदा होकर मेरे सुहाग को पहुंचना चाहते हो? अगर उन्हें कुछ हो गया मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकूंगी विशाल। एक गद्दार का खून तुम्हारी मां का सिंदूर हो सकता है मां, मेरा बाप नहीं। विशाल, ये तो क्या कह रहा है बेटे? आज तुम ऐसे मोड़ पे खड़ी हो मां, जहां तुम्हें अपने सुहाग और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। विशाल। नो 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 मिस्टर पार्कर, आंखें खोलकर आग में कूदा नहीं जा सकता। जब से हमारा आदमी डिफेंस पेपर के साथ पकड़ा गया है, सारे हिंदुस्तान का खुफिया डिपार्टमेंट हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बट मिस्टर जे किशन, तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, अगर आप तुमने डिफेंस सीक्रेट्स के पेपर्स ना दिए तो याद रखना, बाहर के देश का ताकत सबसे पहले तुमको खत्म कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर गिल हियर। मैं जेके बोल रहा हूं। गिल, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। चारों तरफ से सीबीआई और सीआईडी ने जाल फैला रखा है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो किसी को शक नहीं होगा। जेके साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि आप मुझे इस तरह फोन मत क्या कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे सर पर मौत मंडरा रही है। शट अप, अपनी हैसियत समझो। यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें लाखों रुपए की रिश्वत खिलाई हुई है। कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर जेके। अगर तुमने मुझे लाखों की रिश्वत दी है तो मैंने भी तुम्हारा करोड़ों का काम किया है, समझे? तो तुमने सब कुछ सुन लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। आज तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आई है। तुम लाखों रुपया रिश्वत में लेते रहे? हाँ लेता रहा, लेकिन किसके लिए? तुम लोगों के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी शांति के लिए। झूठ, हमने तुमसे सिर्फ दो वक्त की रोटी और इज्जत चाही थी। आज पता चला कि तुम हम माँ बेटे को हराम का जहर खिलाते रहे। याद रखना, औलाद से बढ़कर माँ बाप के लिए दूसरी और कोई दौलत नहीं होती। तुम्हारा ये रिश्वत का अभिशाप एक दिन हमें बर्बाद करके रख देगा। नहीं सरना, नहीं। मर गई तुम्हारी सरना। तुम्हारे जैसे पति की पत्नी होने से तो विधवा होना अच्छा है।